नमस्कार साथियों, मैं ज्योति मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे पीईटी कंप्लीट कोर्स के बारे में। अभी तक हमने हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में पांच छः टॉपिक को क्लियर किया है, वो कौन कौन से हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें इसके सिलेबस के बारे में, पीईटी में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। पीईटी के सिलेबस को 15 खंडों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें भारतीय इतिहास हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएंगे, भूगोल है, अर्थव्यवस्था, संविधान है, सामान्य विज्ञान है, अंकगणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग है, करंट भी है, करंट यानी करंट अफेयर है, ठीक है। ये अपठित गद्यांश है, ग्राफ है, तालिका है, ये सब चीज़ें आपका इसमें सिलेबस है। आप सभी को पता होगा फॉर्म कम्प्लीट हो चुके हैं, टाइम पहले से का एग्ज़ाम 17-18 सितंबर में होने वाला था, लेकिन अब टाइम आपको पूरा एक महीना बढ़ा के दे दिया, यानी लगभग ढाई महीने हैं आपके पास भी तैयारी के लिए, ठीक है। तो कमर कस लीजिए, बढ़िया से तैयारी में लग जाइए और मेरे साथ बने रहिए। बहुत कम टाइम में आपका बहुत अच्छा रिवीजन कराने वाली हूँ। यहाँ पे जितने भी मैं पॉइंट लेकर के आई हूँ आपके जीएस के लिए, तो सभी सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। वो तो अभी आप देख ही रहे हैं सीरीज़ में कि पाँच छः टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, उसमें से कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे, किसकी बात करेंगे आज? आज हम देखेंगे राजपूत काल को, यानी कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और हर्षवर्धन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा राजपूत काल। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ओके, नाउ स्टार्ट। राजपूत काल। राजपूत काल के अंतर्गत गुर्जर, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, चोल चालुक्य वंश, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? राजपूत काल में। ये सभी जितने हैं ये सभी राजपूत काल में आ जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं राजपूत काल में क्या क्या आता है। तो इसमें आ जाता है आपका गुर्जर, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल आ जाएंगे इसमें, पाल वंश हो जाएगा, गढ़वाल शासक हो जाएंगे यानी गढ़वाल वंश है, फिर चौहान वंश, चौहान शासक, चंदेल वंश, परमार वंश, चोल और चालुक्य वंश, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को क्या कहते हैं? राजपूत काल या फिर संधि काल के नाम से जाना जाता है इसे। किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल या फिर संधि काल नाम से जानते हैं इसे। राजपूत काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चौहान, चंदेल, परमार और गढ़वाल ये आते हैं। किस में आते हैं? राजपूत काल के महत्वपूर्ण। ये भी सभी हम इसके बारे में देखा, हम राजपूत काल के सभी अंतर्गत आते, लेकिन इसमें बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट में कौन से हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हैं आपके गुर्जर प्रतिहार, राजकूट हैं, राजकूट बहुत शक्तिशाली थे, गुर्जर प्रतिहार भी। इधर चौहान की बात करें तो चौहान है, चालुक्य हैं, चंदेल, परमार, गढ़वाली सभी इसमें आते हैं। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपूत शब्द का अपभ्रंश है। किसका है ये? ये राजपूत शब्द का अपभ्रंश शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। पहले वंश से शुरू करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है कौन था? वो नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम ने मालवा में शासन स्थापित किया था। कहाँ पे शासन स्थापित किया था? तो इन्होंने मालवा में अपना शासन स्थापित किया था। नागभट्ट प्रथम के दो भतीजे कक्कुक और देवराज के बाद देवराज का पुत्र वसराज गद्दी पर बैठा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे, बस पता दे रही हूँ आपको, क्योंकि आज ये कुछ नहीं पूछे। और जब नागभट्टी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनके भतीजे और ये सब कहाँ से पूछे जाने, लेकिन इसमें है थोड़ा सा दे रखा, इसलिए आपको बता दे रही हूँ। वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को, कौन थे? वत्सराज ने पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इनका जो धर्मपाल का नाम है जो नालंदा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आता है इसमें। तो युद्ध में पराजित किया था वत्सराज ने पाल धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया था। वत्सराज राजकुट नरेश ध्रुवसी युद्ध में पराजित हुआ था। वत्सराज ने धर्मपाल को युद्ध में पराजित कर दिया था, और वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश, तो वत्सराज को किसने पराजित कर दिया था? राष्ट्रकूट के राजा थे नरेश ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया था, ठीक है। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा। कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ भी नहीं खास है,
चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रामभद्र के बाद उसका पुत्र जो है मेरुबोध गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी, जब प्रतापी के शब्द आ जाए, योग आ जाए, महान आ जाए, सम्राट आ जाए, तो समझ लीजिए वो इम्पोर्टेंट राजा हैं। वैसे तो फिर अयोग्य उनके बारे में तो वैसे भी हिस्ट्री में कहाँ इतनी जगह है कि सबको अपने जगह दे पाए, वो पहले ही से इतना सारा भरा पड़ा है, पढ़ पढ़ के परेशान हम सभी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक मेरुभोज था, यानी कि यही किसका, रामभद्र का जो पुत्र था, ठीक है। मेरुभोज ने 836 ईस्वी के करीब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो मेरुभोज ने किसे राजधानी बनाया, 836 ईस्वी के करीब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और जो आगामी लगभग 100 वर्षों तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। मेरुभोज ने आदि वराकी उपाधि धारण की। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेरुभोज ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो उसने की थी आदि वराकी उपाधि धारण की थी। मेरुभोज के बाद कौन आता है, तो मेरुभोज के बाद महेंद्रपाल राजगद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, महेंद्रपाल राजगद्दी पर बैठता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, ये इम्पोर्टेंट है, कौन, राजशेखर। इनकी जो कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कृति है कर्पूर मंजरी और है दूसरी काव्यमीमांसा, ठीक है। इनकी दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो महेंद्रपाल के गुरु थे कौन, राजशेखर। संस्कृत के, एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं हम, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर, जिनकी कृति कर्पूर मंजरी एवं काव्यमीमांसा है, महेंद्रपाल के गुरु थे, ठीक है। राजशेखर द्वारा रचित पुस्तकें, राजशेखर यही जो इनके गुरु थे, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कर्पूर मंजरी है, काव्यमीमांसा है, विदुशाल वंजिका है, विदुशाल वंजिका, बाल भारत है, बाल भारत, बाल रामायण है, भुवन कोश और हरविलास। इसमें से आपकी हरविलास हो गई, कर्पूर मंजरी है, काव्यमीमांसा है, इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए रखिए, बाकी की आपके दिमाग के ऊपर है आप कितना याद रख पाते हैं। महेंद्रपाल के बाद उसका पुत्र महीपाल राजगद्दी पर बैठा, कौन बैठा, तो महेंद्रपाल के बाद महीपाल राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं चल के, महीपाल के शासन काल में 915 से 916 में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। किसके टाइम में, महीपाल के शासन में ही बगदाद से अल मसूदी जो है वो भारत में आया था, भारत में, यानी कि भारत में किस जगह पर आया था, भारत में ये गुजरात में आया था, ठीक है। महीपाल के शासनकाल में लगभग 915 से 918 में कन्नौज पर आक्रमण कर राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने नगर को उजाड़ दिया। छोड़ो से 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गढ़वाल या राठौर वंश ने, किसने, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गढ़वाल या फिर राठौर वंश ने गुर्जर प्रतिहारों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका, ठीक है। किसने उखाड़ फेंक दिया था तीन लोगों को, गुर्जर प्रतिहारों को, किस लोगों ने, गढ़वाल और राठौर वंश के, या फिर गढ़वाल को या फिर राठौर वंश से को, तो उन लोगों ने गुर्जर प्रतिहारों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, इनका मूल नष्ट कर दिया, सब कुछ संपूर्ण नष्ट हो गया इनका। दूसरा टॉपिक है अपना, मतलब इसी में चलते हैं, पहले हमने पढ़ा प्रतिहार भोज के बारे में, प्रतिहार गुर्जरों के बारे में, अब देखते हैं राजकूट के बारे में। राजकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। तो राष्ट्रकूट का शासक कौन था जिसने स्थापना की थी, दंतीदुर्ग था, इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंतीदुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया, किस राजधानी बनाया, नासिक को। दंतीदुर्ग ने महाराजा धीराज, ऐसे उपाधियां बहुत धारण करते हैं, महाराजा धीराज, मेहरभोज और क्या, परम भट्टारक है, विक्रमादित्य है। तो दंतीदुर्ग ने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियां धारण की, ठीक है। दंतीदुर्ग की हो सकता उपाधि पूछ ली जाए। दंतीदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 758 ईस्वी में राजा बना। एलोरा का प्रसिद्ध गुहा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। एलोरा का प्रसिद्ध गुहा मंदिर, वो मंदिर किसका है, वो शिव जी भगवान का बना हुआ है, भोलेनाथ का। मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने, इसलिए इनके, इनका नाम इसमें आता है कि दंतीदुर्ग के चाचा कौन थे, कृष्ण प्रथम। तो इन्होंने, कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा का प्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। डॉक्टर बी ए स्मिथ ने इस मंदिर को भारतीय वास्तुकला की
सर्वाधिक अद्भुत कृति माना है। किसने माना है? डॉक्टर वी ए स्मिथ ने। इसे वास्तु कला का एक आश्चर्य माना जाता है। किसे? एलोरा का प्रसिद्ध जो गुहा मंदिर है, शिव मंदिर है, वो इसे माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने शुभतुंग और अकाल वर्ष की उपाधियाँ धारण की। कितनी अजीब अजीब उपाधियाँ होती है, शुभतुंग, अकाल वर्ष, हद है। कृष्ण प्रथम के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र गोविंद द्वितीय, क्या नाम था, गोविंद द्वितीय 773 ईस्वी में राजा बना तथा उसने प्रभुत वर्ष विक्रमावलोक की उपाधि धारण की। बताओ, अजीब सी इतना भूत वो टाइप की उपाधि धारण की है। गोविंद द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई ध्रुव, ठीक है, किसके बाद? गोविंद द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई, क्या नाम होता है इनका, ध्रुव, जो 780 में राजा बनता है, उसने निरूपम कालीवल्लभ धारावर्ष और श्रीवल्लभ की उपाधियाँ धारण की। उपाधियाँ भैया याद कर लो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उपाधियाँ ही हैं, इन्हीं का जिक्र सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अगले पॉइंट में अपना हो जाएगा कि राजकोट वंश का पहला शासक ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्ष संघर्ष में भाग लिया। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष की बात आती है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नौज पर, जब तीन तरफ से राजा इकट्ठे हो जाते हैं कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन था वो? राष्ट्रकूट का पहला शासक ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय होता है, जो 793 ईस्वी में राजा बनता है, ठीक है। गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र सर्व 814 में राजा बना, कोई मतलब नहीं, जो अमुक वर्ष नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसे अमुक वर्ष नाम से जानते हैं, इसलिए फेमस है। इस सर्व नाम से कोई नहीं जानता इसे, ठीक है, तो इसलिए आप इसे याद रखें। अमुक वर्ष ने नृपतुंग, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि ये नृपतुंग किसकी उपाधि थी, तो अमुक वर्ष ने नृपतुंग महाराजा षंड वीर नारायण और अतिशय धवल की उपाधि धारण की। कौन कौन सी, फिर से दिखते हैं, तो इसका नाम क्या था, ये गोविंद तृतीय का पुत्र था, इसका नाम सर्व था, जो 814 ईस्वी में राजा बना और इसे अमुक वर्ष नाम से जानते हैं, इसी नाम से फेमस हुआ था। तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? नृपतुंग की, महाराजा षंड की, वीर नारायण की, अतिशय धवल की, फिर उसने चार उपाधियाँ धारण की थी। अमुक वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन चार महान शासकों में अरब यात्री सुलेमान ने की। किसने की? अरब यात्री था ये सुलेमान, ठीक है, इसने की। अमुक वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। किस भाषा में की? कन्नड़ भाषा में की। किसकी? कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। आगे हो जाएगा, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के रचनाकार, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणितासार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य तथा अमोघ वृत्ति के रचनाकार सक्तायना के आश्रयदाता अमुक वर्ष थे। फिर से देखते हैं इस चीज़ को कि आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के रचनाकार सक्तायना के आश्रयदाता कौन थे? तो ये अमुक वर्ष थे, ठीक है। अमुक वर्ष ने मान्यखेत, किसको? अमुक वर्ष ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। अमुक वर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय 878 ईस्वी में राजा बनता है। कृष्ण द्वितीय ने अकाल वर्ष और शुभतुंग की उपाधि धारण की, जो पिछले भी किसी राजा ने उपाधि धारण की थी, अकाल वर्ष और शुभतुंग की, तो कृष्ण द्वितीय ने भी की। कृष्ण द्वितीय के बाद उसका पुत्र इंद्र तृतीय 914 ईस्वी में राजा बना। इसने निश्यावर्ष कीर्ति नारायण, क्या क्या था? निश्यावर्ष कीर्ति नारायण राजा मार्तंड की उपाधियाँ धारण की। किसने की? कृष्ण के बाद उसका पुत्र आता है कौन? तृतीय, इंद्र तृतीय, जो 914 में राजा बनता है। इंद्र तृतीय ने पाल वंश के राजा देवपाल प्रथम को
देवपाल प्रथम को युद्ध में परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब आखिर में कन्नौज पर अधिकार हो गया, बात शुरुआत कर दी थी वहाँ से। तो इसने इंद्र तृतीय ने पाल वंश का राजा जो था देवपाल प्रथम को युद्ध में परास्त कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंद्र तृतीय के समय में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया, ठीक है। अरब लेखकों ने राष्ट्रकूट वंश को बलहारा के यानी बलराज कहकर संबोधित किया। बलराज कहकर संबोधित किया। इंद्र तृतीय के बाद अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय। अब नहीं मिलते थे नाम, तो बस वही रख उसके नाम में आगे, नाम के आगे पीछे लगा दिए कि तृतीय हैं, द्वितीय हैं, चतुर्थ हैं, इस टाइप से। कृष्ण तृतीय और खोतिग, अजीब नाम है, खोतिग तथा कर्क तृतीय, ये सभी राजा बनते हैं किसके बाद में, इंद्र तृतीय के बाद में। इतने सभी राजा बनते हैं, अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्ण तृतीय और खोतिग, और लास्ट में से बनते कर्क द्वितीय। खोतिग के शासनकाल में सीएक परमार ने 971 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानकित को लूटा। किसने लूटा? खोतिग के शासनकाल में सीएक परमार ने 971 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानकित को लूटा। राष्ट्रकूटों के एक सामंत थे, क्या नाम था? तेल द्वितीय। इनके सामंत थे राष्ट्रकूटों के। सामंत व्यवस्था, इसमें अगर आप हिस्ट्री में जाकर पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, लेकिन हल्का फुल्का आपको बता दूँ सामंत व्यवस्था होती क्या थी। जैसे कोई राजा होता था उसके टाइम में सैनिक हैं, सब मंत्री पद हैं, तरह तरह के जो पद हुआ करते थे, सभी को कुछ ना कुछ व्यवस्थाएँ थी वेतन देने की किस तरह से। तो इनके टाइम में क्या थी, तो ये ज़मीन दिया करते थे किसी को, जैसे कि एक बीघा दे दिया, एकड़ दिया, इस तरह से सबकी पोजीशन। लेकिन जो सबसे बड़ा मंत्री से होता था, प्रधानमंत्री हुआ कोई हुआ, तो उसे जैसे 10 एकड़ ज़मीन दे दी। तो हर महीने जब ज़मीन देते थे तो राजा की ज़मीन है, तो जब सबको सैनिक को दे रहा है, किसी अपने मंत्री, किसी भी मंत्री परिषद में किसी मंत्री को दे रहा है, वित्त मंत्री है, उसका सलाहकार है, जो भी सबको दे रहा है, तो राजा की ज़मीन तो कम हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा पोजीशन पे होता था यानी कि प्रधानमंत्री या जिसे सामंत कहते थे, उसे सबसे ज़्यादा मिलती थी, उसकी ज़मीन बढ़ती जाती थी। और एक टाइम ऐसा आता था कि ये राजा के ऊपर ही हमला बोल देते थे और अपना शासन स्थापित कर देते, तो ऐसा ही हुआ था। तो राष्ट्रकूटों के एक सामंत कौन थे? तेल द्वितीय ने कर्क द्वितीय के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां की और 973 ईस्वी के अंत में विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 973 ईस्वी के अंत में विद्रोह कर दिया। कर्क द्वितीय युद्ध में परास्त हुआ और भाग गया। इस प्रकार लगभग 225 वर्ष के गौरवमय शासन के पश्चात राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया। यानी कि राष्ट्रकूट वंश कितना लंबे साल टाइम तक चलता, देख रहे हैं आप, 225 वर्ष तक इतना लंबा टाइम पीरियड रहता है इसका, उसके बाद में इसका अंत हो जाता है। आगे इसमें पालवंश को देखते हैं। पालवंश का संस्थापक जो है वो गोपाल था। इसने 750 से 770 तक इसका शासन रहा है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। इसने औदंतपुर में एक मठ का निर्माण करवाया था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में राजा बनता है, ठीक है। पाल वंश का युगतम शासक धर्मपाल था। कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामिन का कहा था। क्या कहा था? पाल वंश का एक युगतम शासक था जिसका नाम है धर्मपाल, जो 770 से 810 तक इसका टाइम रहा है। कवि सोडल थे, इन्होंने इसे उत्तरापद स्वामिन कहा है। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में की थी, इसलिए इसका ये नाम आ जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है किसका? धर्मपाल का। इसने क्या किया था? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल राजगद्दी पर बैठता है, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर यानी कि बिहार में स्थापित की। देवपाल के बाद विग्रहपाल प्रथम, नारायणपाल,
राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, महीपाल प्रथम, न्यायपाल विग्रहपाल तृतीय, सर्पाल, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल आदि प्रमुख राजा हुए। इसमें कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी पढ़ने की, यहाँ पे याद करने की, हम कहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक, दूसरे संस्थापक की बात की जाए, द्वितीय संस्थापक के रूप में महीपाल प्रथम को माना जाता है। अगर पूछा जाए पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन था, तो ये महीपाल है, ठीक है, महीपाल को मानते हैं। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर के लगभग 200 वर्षों तक गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल शासकों के बीच होने वाले संघर्ष को त्रिपक्ष संघर्ष कहा गया है। ये मैंने बात की थोड़ी देर पहले त्रिपक्ष संघर्ष के बारे में, इसे फिर से देखते हैं इस लाइन को। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग कितना टाइम तक, लगभग 200 वर्षों तक लड़ाई चलती रही कन्नौज को लेकर के। तो गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल शासक, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार का शासक था वत्सराज, ठीक है, वत्सराज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता जो है गुर्जर प्रतिहारों को ही मिली, ठीक है, जब तक लड़ते रहिए उस साल तक खूब लड़े, लड़ने के बाद में जाके गुर्जर प्रतिहारों ने सफलता हासिल की इसमें। गढ़वाल वंश, थोड़ा सा गढ़वाल वंश को भी देख लेते हैं। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1080 से 85 में कन्नौज में की थी। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है इस रूप में, काशी नरेश के रूप में इन्हें जाना जाता है गढ़वाल शासकों को। गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने कौन था, चंद्रदेव ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रदेव के बाद उसका पुत्र मदन चंद्र राजगद्दी पर बैठता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मदन चंद्र के बाद गोविंद चंद्र राजगद्दी पर बैठा, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। सॉरी, गोविंद चंद्र के समय में लक्ष्मीधर, यानी कि गोविंद चंद्र का मंत्री था, इसका नाम था लक्ष्मीधर, ने कल्पद्रुम नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। तो कौन था ये, गोविंद चंद्र के समय में लक्ष्मीधर इसका मंत्री था, तो इसने कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतापी राजा गोविंद चंद्र था, किसका, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रतापी राजा गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र राजगद्दी पर बैठा। गढ़वाल वंश का अंतिम राजा जो है जयचंद था। जयचंद के बारे में अपने कहानियाँ सुनी होंगी, ठीक है, यहाँ क्या जिक्र करें इनके बारे में। इसके बाद में देखते हैं 1193 ईस्वी में हुए चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। किसने कर दी, मोहम्मद गोरी ने, यह आता है ना 1192-93 की लड़ाई करता है तो मोहम्मद गोरी, एक में तो खुद पराजित हो जाता है मोहम्मद गोरी और दूसरे में पराजित कर देता है, तो इसमें जयचंद को पराजित कर देता है। जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया। जयचंद का पुत्र कौन था, हरिश्चंद्र, ये मोहम्मद गोरी के अधीन बना रहा और शासन करता रहा। जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष रहता था, जिसने नैषधचरित की रचना की थी। किसने, श्री हर्ष ने नैषधचरित की रचना की। चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर चला था, वहाँ से जयचंद की पुत्री, क्या नाम था, संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। ये कहानी बड़ी फेमस है, ये सुनी होगी आपने, अपहरण कर लिया। उसके बाद चौहान वंश के देखते हैं क्या कहानी है। चौहान वंश में शाकंभरी चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव के बाद पूर्णतल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज, अजयराज, अर्णोराज, जगदेव, विशलदेव, अपर गंगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, इसमें इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक है। आदि चौहान वंश के प्रमुख शासक हुए सभी। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप नीचे देख लेंगे इसके बारे में कौन कौन से राजा हैं। जैसे अजयराज के बारे में बात करें तो अजयराज ने अजमेर नामक शहर को बसाया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हरिकल नाटक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव की रचना है,
कौन है ये वाली, विग्रह राज चतुर्देव विसल, चतुर्थ विसल, इनकी क्या रचना है, हरिकेल नाटक, इसलिए ये प्रमुख है। महाकवि सोमदेव ने विसल देव के चरित्र की प्रशंसा में ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की, किसने की, ये इसके मतलब इसी वंश का राजा है, महाकवि हैं एक सोमदेव, इन्होंने विसल देव के कैरेक्टर यानी विसल देव यही हैं, इनके चरित्र की प्रशंसा की है और क्या लिखा है, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ में इसकी रचना की है। सोमेश्वर का पुत्र यानी कि ये रहे सोमेश्वर, इसी वंश के राजा हैं, उनका पुत्र क्या नाम था, तो इनका जो पुत्र तृतीय पृथ्वीराज तृतीय 1178 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता, यही सबसे प्रमुख और शक्तिशाली प्रतापी राजा चंद्र ये पृथ्वीराज तृतीय ही होता है। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध, ये मैंने बताया था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और जब ये आता है तो पहले तो मोहम्मद गोरी हार जाता है इससे, इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है, यानी पहले में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है, लेकिन जब द्वितीय दूसरा युद्ध होता है पृथ्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय जो है हार जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया, यही करते थे, जब जीत जाते थे किसी के शासन को किसी राज के तो उसके पुत्रों को राजकुमारों को अपना अपने अधीन कर लेते, शासन करवाते थे, ये सब चलता रहता था। पृथ्वीराज तृतीय की समाधि अफगानिस्तान में है, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक तो पृथ्वीराज तृतीय ही था, प्रथम की वाक्य क्या, प्रथम पहला दूसरा आखिरी तीसरा जो भी सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो है पृथ्वीराज तृतीय ही था, जो 1178 से 1192 तक रहा इसका शासनकाल। चंदेल वंश की बात करते हैं, चंदेल वंश का शासक नन्नुक था, नन्नुक ने 831 में स्थापना की, नन्नुक के बाद बागपति जयशक्ति विजयशक्ति राहिल हर्ष यशोवर्मन धंगदेव गंडदेव विद्याधर विजयपाल देववर्मन कीर्तिवर्मन सलक्षणवर्मन जयवर्मन पृथ्वीवर्मन मदनवर्मन परमार्दिदेव आदि प्रमुख शासक बने इसमें चंदेल में। चंदेल का चंदेल वंश का पराक्रमी शासक कौन था, हर्ष का पुत्र यशोवर्मन था, जो सबसे पराक्रमी शासक था। खजुराहो के चतुर्थ मंदिर को यशोवर्मन ने ही बनवाया था, खजुराहो में है ये चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर यशोवर्मन ने ही बनवाया था। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता यशोवर्मन का पुत्र धंगदेव को माना जाता है, किसको, चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता यशोवर्मन का पुत्र था धंगदेव, उसे माना जाता है। चंदेल शासक विद्याधर ने प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या मात्र इसलिए कर दी क्योंकि उसने महमूद गजनबी के कन्नौज पर आक्रमण के समय बिना युद्ध किए ही गजनबी के सामने समर्पण कर दिया था, इस वजह से इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट, या फिर से देख लेते हैं। चंदेल शासक कौन था, विद्याधर, यहाँ पर भी इसका नाम दे रखा है विद्याधर का ये रहा, ठीक है, कौन विद्याधर, विद्याधर ने प्रतिहार शासक का नाम क्या था, राज्यपाल, इसकी हत्या कर दी थी। हत्या किस लिए कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद गजनबी के कन्नौज पर, जब महमूद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण करता है तो उसके सामने लड़ता नहीं है, युद्ध नहीं करता है, वो बिना युद्ध किए ही समर्पण कर देता है, घुटने टेक देता है, तो इस वजह से ही इसकी हत्या कर देती है राज्यपाल की, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया, अब देखते हैं आगे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव यानी कि परमाल था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया, कहाँ पर कर लिया, कालिंजर पर, किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अधिकार कर लिया 1203 ईस्वी में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र यानी कि उपेंद्र का दूसरा नाम था कृष्णराज, उपेंद्र नाम से कम जानते, कृष्णराज नाम से जाना जाता है ना। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश में उपेंद्र
बेरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाक्यपति प्रथम, वेरी सिंह द्वितीय, वाक्यपति पुंज, सिंधुराज, भोज, से भोज का नाम आता है, परमार भोज जो है, ठीक है, जय सिंह, लक्ष्मण देव, इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जगत देव, यशो वर्मन, जय वर्मन, विंद वर्मन, सुभट वर्मन, ये सभी इसमें आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो है, ये भोज का नाम है और कृष्णराज का नाम है। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। परमार वंश के मुंज ने श्री वल्लभ, मुंज शासक थे उन्होंने, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष आदि उपाधि धारण की। परमार वंश के मुंज के दरबार में, जैसे कि चंद्रगुप्त के दरबार में थे, उसके दरबार में इस तरह से, तो दरबार में यशो रूपावलोक के रचयिता धनिक, नव सहसांग चरित के लेखक कौन थे, पद्मगुप्त, दस रूपक के लेखक धनंजय आदि ये सभी रहते थे। मुंज के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक हुआ, जिसने कुमार नारायण एवं सासंग की उपाधि धारण की, मुंज के छोटे भाई ने। परमार वंश का योग एवं प्रतापी शासक की बात करें तो सिंधुराज का पुत्र उत्तरगादी भोज था, मैंने भी बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें परमार भोज ही था, सबसे इम्पोर्टेंट राजा। भोज ने उज्जैन के स्थान पर अपनी नई राजधानी धारा को बनाया, किसे बनाया, उज्जैन की स्थापना नई राजधानी धारा को बना दिया। भोज ने अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि धारण की, क्योंकि अच्छा शासक था, प्रतापी राजा था, तो उसने खुद को कविराज से विभूषित किया। इसने भोजनगर एवं भोजसेन नामक तालाब का निर्माण करवाया, किस किस का, भोजनगर और भोजसेन, अपने नाम से ही एक नगर था, भोजनगर और भोजसेन नाम तालाब था, इन दोनों का निर्माण करवाया। इसके बाद में भोज ने सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचर्या, आदित्य प्रताप सिद्धांत और आयुर्वेद सर्वत्र आदि ग्रंथों की रचना की। इन सभी ये रचनाकार हैं, यानी कि काफ़ी इनका साहित्य में बहुत रुचि थी इनकी, तो उन्होंने इन सब चीज़ों की, इन सभी ग्रंथों की रचना की। अब चलते हैं चोल या फिर चालुक्य वंश की ओर, इसमें देखते हैं कौन कौन थे। तो राजेंद्र द्वितीय, ठीक है, ये पूर्वी चालुक्य वंशी थे, कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल राज सिंहासन पर बैठा, किस नाम से, कुलोत्तुंग नाम से सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल इतिहास चोल चालुक्य वंशी इतिहास के नाम से जाना जाता है, यानी पहले नाम का सिर्फ चोल ही था, उसके बाद में जब ये राजा बन जाता उसके बाद में फिर ये चोल चालुक्य वंश नाम से इतिहास में इसका नाम दर्ज हो जाता है। चोल लेखों में कुलोत्तुंग को शुंग मत वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला कहा गया है, क्या कहा गया, करों को हटाने वाला, ठीक है। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। रामानुजाचार्य ने गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र से निकालकर तिरुपति के विशाल वैष्णव मंदिर में स्थापित करवाया। रामानुजाचार्य ने वैष्णव मत क्या था इनका, विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया, किसने, रामानुज ने, ये मैंने बीच पहले ही बताए थे मत कौन कौन से आचार्य थे और किसके क्या मत थे, इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले ही। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद विक्रम चोल कुलोत्तुंग द्वितीय, राजा राज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजा राज तृतीय, राजन तृतीय, ये सभी चोल चालुक्य वंशी शासक हुए। पांडवों ने 1279 ईस्वी में चोल चालुक्य वंशी राज पर अधिकार कर लिया, किन लोगों ने, पांड्यों ने। कम्बन के रामायण को तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है। कम्बन एक कवि हैं, जैसे कि अपने यहाँ
कालिदास वगैरह इस तरह से कम्बन के रामायण को तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है। कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहने वाले कवि कम्बन के काल को तमिल साहित्य में स्वर्णकाल कहा गया है। तो कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे, कौन थे वो? कम्बन। तो इनके काल को तमिल साहित्य में स्वर्णकाल कहा जाता है। तो साथियों, मुझे पता नहीं चला, वीडियो जल्दी ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ नहीं पाती, बस बोलती रहती हूँ, कुछ पूछना बताना होता नहीं आपसे। आप लोगों को कुछ पूछना बताना हो तो आप तो कर सकते हैं ना कमेंट, कुछ कह सकते हैं, तो आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊँ। किसी के बारे में आपको जानना है, कुछ पूछना है, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, तो बताइए कुछ भी, ठीक है? तो हम इस तरह से बने रहेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आता है, इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक्स मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।